पॉकेट। आज हम एक नए तरह की कुल्फी बनाने जा रहे हैं जो कि ब्रेड से बनी हुई है, ब्रेड की मटका कुल्फी। आइए फिर बनाने चले। मटका कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ना, देखिए दो ब्रेड में ली हूँ, सॉफ्ट है, और इसको हम क्या करेंगे, इसकी एजेस सारे कट कर लेते हैं। और इसको ऐसे 4 पीसेस में कट कर लेती हूँ। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में ली हूँ, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो शुगर है, देखिए शुगर ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको जितना मीठा चाहिए आप ले सकते हैं। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं शुगर, और इसमें मैं थोड़ा सा ना आलमंड डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ, और थोड़ा सा काजू की पीसेस में डाल रही हूँ, और इनको पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने ये ग्राइंड करके ले लिया है, इसमें अभी हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, कोई से भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे हमारी जो कटी हुई पीसेस है ना ब्रेड की, इसको छोटा छोटा पीसेस में करके हमें इसमें डालना है। और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मैंने गरम दूध से ना इसको एक छोटा थोड़ा सा ना मैंने इसमें केसर डाल के इसको रख लिया था, और इसको फ्लेवर के लिए अच्छा लगेगा तो इसमें मैं ये भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे घर की जो मलाई होती है ना, उसको मैं एक कटोरी देखिए ये ली हूँ, और इसमें हम ना थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं, और चाहिए होगा तो थोड़ा सा, हमें थिकनेस ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी इनको ना हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारी देखिए ग्राइंड हो चुकी है और कितनी क्रीमी स्ट्रक्चर आई है। अब इनको हम क्या करेंगे, हम मटका कुल्फी बना रहे हैं, मतलब मटका ही हमें चाहिए, तो मैंने ऐसे मटके छोटे छोटे लिए हैं। अब इन मटके में हम ये लिक्विड डालते हैं, इनके ऊपर ना थोड़ा सा हमें पिस्ता ऐसे करके डाल देते हैं, थोड़े अच्छे लगेंगे। इनके ऊपर ना हम क्या करेंगे, ऑडी रैप या कोई फॉइल पेपर हो इसको अच्छे से ऐसे ऊपर से करके हमें क्या करना है, कोई से भी रबर बैंड हो या कुछ हो आप इसको दे सकते हो। अब इनको ना 5-6 घंटे के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है, जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाता। हमारे मटका कुल्फी बनके देखिए तैयार हो चुकी है। ये हमने जो रखा था रेफ्रिजरेट करके, इसको मैं निकाल चुकी हूँ, और आइए इसको खोल के देखते हैं कैसा हुआ है। वाओ कितनी अच्छी हुई है, देखिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।